नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। अब आपका पार्टनर आपको उस तरह से वक्त नहीं देता है, मतलब वो इंसान जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहा करता था, अब वो आपके लिए अवेलेबल रहता ही नहीं है। जब उसका मन होता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तब वो इंसान आपसे बात करता है। इनफैक्ट उसका कोई काम पड़ गया तभी वो आपको याद करता है। मतलब ये वाली सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ गई है, और इनफैक्ट सारे के रिलेशनशिप में यही सिचुएशन आती है एक वक्त के बाद कि आपको वक्त नहीं मिलने लगता है। और लड़ाई भी आखिर इसी के वजह से होती है, पार्टनर से आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है। पहले जिस तरह से आपका पार्टनर आपके लिए अवेलेबल रहता था, अब वो अवेलेबल रहना बंद कर दिया है। देखिए, बिजी रहना इंसान का स्वाभाविक सी बात है कि एक टाइम के बाद इंसान बिजी हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइफ में सिर्फ रिलेशनशिप है और बस दिन भर रिलेशनशिप में लगे रहें, बात करते रहें एक दूसरे। तो ऐसा भी नहीं है कि आदमी दिन भर आपके लिए अवेलेबल रहे। लेकिन ये भी बात है कि कोई इंसान इतना भी बिजी नहीं हो जाता है कि वो आपके लिए 1 मिनट भी अवेलेबल ना रहे, 1 मिनट भी उसके लिए आपके लिए उसके पास वक्त ना रहे। देखिए, इंसान जो ऐसा बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी अपने पर्सनल लाइफ में सारी चीज़ें करता है, अपने लिए वक्त निकालता है, वो अपने पर्सनल वर्क करता है। लेकिन ऐसे इंसान ऐसा शो करेगा कि अरे किसी कंपनी का वो MD बन गया है, वो देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया है, चीफ मिनिस्टर बन गया है, पता नहीं। ऐसे लोग ऐसा शो करते हैं। आखिर ऐसे लोग इतना गट्स क्यों दिखाते हैं शो करने का? और जब ऐसे लोग आपको ऐसे शो करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता होगा कि आखिर ये इंसान जो पहले ईजिली मेरे लिए अवेलेबल रहता था, अभी इतना ज़्यादा भाव क्यों खा रहा है भाई? ठीक है, और इसके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगते हो, आपके अंदर गुस्सा आने लगता है और उससे लड़ाई करने लगते हो, उससे आप उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पे ये आप गलत करते हो। किसी से वक्त मांग के नहीं लिया जाता है। आप खुद को ऐसा बनाओ कि वो इंसान मेरे से वक्त मांगे। यहाँ पे आपकी वैल्यू कम हो गई है और जिसके वजह से वो इंसान आपको टाइम नहीं देना चाहता है। जहाँ जिस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, वहाँ पे आदमी अपना इंटरेस्ट कम दिखाता है, वहाँ पे अपना वक्त कोई नहीं देना चाहता। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये देखा है कि इंसान जब कोई नया जॉब ले लेता है या कोई ऐसी एक्टिविटी में बिजी हो जाता है, तभी रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आती है। और जब इंसान कोई नया जॉब ले ले या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया हो, जहाँ वहाँ पे नए तरह के लोग मिलते हैं, नए इंसान मिलते हैं, नए फ्रेंड्स बनते हैं, उसके बाद आपके पार्टनर के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आपको दिखाई देने लगेंगे। वो मतलब आपको उस तरह से वैल्यू नहीं करेगा, उस तरह से रेस्पेक्ट नहीं करेगा, आपके साथ उस तरह से बात नहीं करेगा। और उसमें आपको लगता है कि मतलब मैं इसकी दुनिया से तो गायब ही हो गया हूँ और ये मेरे दुनिया से गायब हो गया है, इसने एक अलग दुनिया बसा ली है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो इंसान अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश है वहाँ पे, और आपके साथ तो वही बातें होंगी ना जो पहले हुआ करती थी, कुछ नया है नहीं, और उसके लाइफ में अभी कुछ नया आया है तो वो वहाँ पे ज़्यादा काफ़ी खुशी फील कर रहा है, वहाँ उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और जिसके कारण वो आपको वक्त नहीं देना चाहता है। तो यहाँ पर आप खुद को थोड़ा सा पीछे कर लो, किसी से वक्त मांग के मत लीजिए, ठीक है? क्योंकि वक्त बार बार मांगना उसके लिए, उसके सामने वक्त मांगना, टाइम मांगना कि बात कर लो, मतलब ये किसी भीख से कम नहीं होती है। और इंसान को कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आपकी वैल्यू कम होगी, वहाँ आपकी रेस्पेक्ट कम होगी। तो यहाँ आप अपने आप को, खुद को ऐसा बनाओ, अपने खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो, ताकि वो इंसान आपसे एक दिन वक्त मांगे। तो आप यहाँ वक्त को बदलो अपने वक्त के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ समझना भी चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे अभी रिलेशनशिप के ब्रेकअप वाली सिचुएशन शुरू हुई है, प्रोसेस शुरू होता है यहाँ से। और यहाँ पे यदि आप नहीं संभलते हो तो सिचुएशन फिर बुरा और बुरा होते जाता है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करो और आप अपने आप पे भी वर्क करना शुरू करो, ताकि आपको आदमी वैल्यू दे, आपका पार्टनर हो या कोई भी इंसान हो, आपको इम्पॉर्टेंट देना ज़रूरी समझे, आपको वक्त देना ज़रूरी समझे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। नमस्कार।